दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्मी दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसने अपनी सबसे बेहतरीन जोड़ियों से आप सभी का एंटरटेनमेंट किया है, तो शायद ही आप बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम लेने से पहले ना एक सेकंड का भी वक्त नहीं लेंगे। और भला ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ही हमें रवीना टंडन और गोविंदा जैसी बेहतरीन जोड़ियों से रूबरू कर जो करवाया है, इसीलिए तो आज भी हम इन जोड़ियों को भूले से भी भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ मिलकर सुपरहिट बनाने में बॉलीवुड की ये बेहतरीन जोड़ियां बीते इन सालों में आज कितनी ज़्यादा बदल गई हैं, इस बात का तो शायद ही आप पता लगा पाए होंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की ऐसी चुनिंदा जोड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि बीते वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा बदल भी गई हैं। तो देर ना करते हुए और बिना वक्त जाया किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर एक, रानी मुखर्जी और आमिर खान। साल 1998 में आई फिल्म गुलाम में पहली बार साथ काम करने वाली जोड़ी रानी मुखर्जी और आमिर खान ने सिद्धार्थ और अलीशा बनकर दर्शकों के दिलों में राज किया। वही बता दें कि आज बीते इन सालों में बॉलीवुड की ये जोड़ी काफी ज्यादा बदल गई है। जहां आमिर खान आज 56 साल के हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रानी मुखर्जी अपनी 43 साल की उम्र भी कम्प्लीट कर चुकी है और दोनों ही पहले के मुताबिक काफी ज्यादा अलग दिखाई देते हैं। जहां दोनों ही पहले के मुताबिक काफी ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। साथ ही जहां पर आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव और 3 बच्चों के साथ मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, जो कि हमें जल्द ही लाल सिंह चड्ढा फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रानी मुखर्जी अपने पति आदित्य चोपड़ा के साथ मुंबई में सेटल्ड हैं, जो कि आज भी अपने अभिनय करियर में सक्रिय हैं, जो कि हमें जल्द ही बंटी और बबली 2 में दिखाई देने वाली हैं। नंबर 2, अक्षय कुमार और शांति प्रिया। खूबसूरत जोड़ी अक्षय कुमार और शांति प्रिया ने अपनी डेब्यू फिल्म सौगंध के साथ साथ इक्के पे इक्का जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में साथ काम किया। वहीं आपको बता दें कि इन बीते सालों में जहां अक्षय कुमार 53 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहीं शांति प्रिया 51 साल की हो गई हैं। लेकिन जहां शांति प्रिया अब लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार को लाइमलाइट का अहम हिस्सा बनते हुए देखा ही जाता है, जो कि अपनी 53 साल की उम्र में भी बूढ़े तो नजर आते हैं, लेकिन ये आज पहले से काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। वहीं आपको बताते चले कि शांति प्रिया वर्तमान में अपने पति सिद्धार्थ रे से तलाक लेकर एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना चुकी हैं, जिन्हें इस साल 2011 में आई सीरियल माता की चौकी में आखिरी बार देखा गया था। वहीं अक्षय कुमार आज भी अपनी फैमिली के साथ मुंबई में सेटल होते हुए अपने अभिनय करियर में कंटिन्यू बने हुए हैं, जो कि हमें जल्द ही सूर्यवंशी और बच्चन पांडे जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। नंबर 3, रंभा और सलमान खान। जुड़वा और बंधन जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आई अभिनेत्री रंभा और सलमान खान की इस खूबसूरत जोड़ी को भला कोई कैसे भूल सकता है, जो कि आज भी दर्शकों के दिलों में राज करती है। वहीं आपको बता दें कि इन बीते सालों में ये खूबसूरत जोड़ी काफी ज्यादा चेंज यानी कि बदल चुकी है, जहां रंभा ने अपनी 44 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है और ये अपनी इस उम्र में पहले जितनी खूबसूरत अब नजर नहीं आती। वहीं सलमान खान 55 साल के हो गए हैं और पहले से काफी ज्यादा एजेड यानी कि बूढ़े नजर आते हैं, लेकिन ये आज पहले से काफी ज्यादा स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहां रंभा ने साल 2010 में इंद्रलोक पद्मानंद के साथ शादी करके एक्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो वहीं सलमान खान आज भी सिंगल हैं और अपनी धमाकेदार फिल्मों से दर्शकों का खूब दिल जीतते नजर आते हैं, जो कि हमें जल्द ही राधे और कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। नंबर 4, सोनाली बिंद्रे और सुनील शेट्टी। साल 1995 में आई सुपर डुपर हिट टक्कर में मोहिनी और रवि का किरदार निभाकर खूब पॉपुलर हुई खूबसूरत जोड़ी सुनील शेट्टी और सोनाली बिंद्रे आज भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन बीते सालों में ये खूबसूरत जोड़ी भी पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बदल गई है। जहां आपको बता दें कि अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे ने अपनी 46 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने भी अपनी 59 साल कम्प्लीट कर ली है और इसी के चलते ये इनके फेस पर भी बीतती उम्र की झुर्रियां साफ देखी जा सकती हैं, जिनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर हेयर स्टाइल में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। साथ ही साथ दोनों ने मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हुए आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है। जहां सोनाली बिंद्रे हमें थप्पड़ मूवी में नजर आ चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी साल 2020 में आई दरबार मूवी में रजनीकांत के साथ अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। नंबर 5, अमीषा पटेल और बॉबी देओल। साल 2002 में आई हमराज में प्रिया और राज सिंघानिया का किरदार निभाकर फेमस हुई जोड़ी अमीषा पटेल और बॉबी देओल को आज भी बॉलीवुड की टॉप लिस्टेड जोड़ियों में से एक गिना जाता है। वहीं बता दें कि बॉलीवुड की ये बेहतरीन जोड़ी भी बीते इन सालों में काफी ज्यादा चेंज हो गई है, जहां अमीषा पटेल अपनी 34 साल की उम्र भी पूरी कर चुकी है, तो वहीं ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और गॉर्जियस भी नजर आने लगी है। बॉबी देओल 52 साल के हो गए हैं और इन्होंने भी इन सालों में अपना
लुक काफी ज्यादा बदल लिया है, जिन्हें आप बदले हुए ड्रेसिंग सेंस के साथ बियर्ड वाले लुक में भी देखते होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जहां अमीषा पटेल आज भी सिंगल लाइफ एंजॉय करती हुई मुंबई में रहती हैं, जिन्हें आप जल्द ही देसी मैजिक मूवी में देखने वाले हैं, तो वहीं बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या शर्मा और दो बच्चों के साथ मुंबई में अपना खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं और ये जल्द ही बच्चन पांडे फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन जोड़ियां जो कि इन बीते सालों में काफी ज्यादा बदल गई हैं। वेल इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी आखिरकार कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस जोड़ी का नाम जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसी दिलचस्प वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।